आज के इस वीडियो में देखेंगे कि टैली ERP9 में इंटरव्यू से संबंधित कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं उन पर मैं आपको अभ्यास कराने वाला हूं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यहां पर ये पीडीएफ मैं ओपन करने वाला हूं और इसमें आप एक एक करके क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, यहां पर यह पहला क्वेश्चन है कि टैली पैकेज किसके द्वारा डेवलप किया गया था। तो पहला ऑप्शन है टैली सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, पहला ऑप्शन है टैली सॉल्यूशन, फिर दूसरा ऑप्शन है टैली कॉर्पोरेशन, ठीक है। फिर तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है टैली कंपनी, और फिर चौथा ऑप्शन दिया गया है टैली कंपनी, यानी टैली टाटा कंपनी, सॉरी। तो यहां पर अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको जो भी सही ऑप्शन है उसी पर टिक करना है, ठीक है। तो यहां से कौन सा ऑप्शन सही होगा, टैली सॉल्यूशन। मैंने आपको कई बार बताया भी है कि टैली सॉल्यूशन वेबसाइट पे जाकर के आप टैली को डाउनलोड करते हैं, तो ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं दूसरा, फाइनेंशियल ईयर का जो पीरियड होता है वो कहां से स्टार्ट होता है। तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हमारा फाइनेंशियल ईयर चलता है। ये अलग की बात है कि अगर आप इंडिया के बाहर से बिलोंग करते हैं, सपोज कीजिए UAE से बिलोंग करते हैं या किसी अन्य अदर कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो वहां पर 1 जनवरी से 31 दिसंबर होता है, लेकिन हमारे यहां 1 अप्रैल से 31 मार्च ही होता है, यानी दूसरे में पहला विकल्प सही हो जाएगा। फिर यहां पर देखिए तीसरा क्वेश्चन जो है ये कुछ इस तरीके से दिया गया है कि टैली इज अ सॉफ्टवेयर, तो किस तरीके का सॉफ्टवेयर है। तो टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, टैली कौन सा सॉफ्टवेयर है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। फिर आते हैं, कह रहा है टैली सपोर्ट्स अकाउंटिंग टाइप, तो टैली किस टाइप का अकाउंटिंग जो है सपोर्ट करता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो है चारों ऑप्शन होगा, कैश सपोर्ट करता है, मैंने कैश की एंट्री आपको दिखाई है, पेरोल भी सपोर्ट करता है, इन्वेंट्री भी सपोर्ट करता है, तो ऐसे में चौथा ऑप्शन यानी कि डी करेक्ट होगा, ठीक है। फिर आते हैं अगले टैली के क्वेश्चन पर, ये दिया गया टैली कैन प्रोवाइड टू ईच कंपनी, क्या प्रोवाइड करता है टैली, बैरियर प्रोवाइड करता है कि कोई सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करता है कि रैपर प्रोवाइड करता है, तो रैपर वैपर नहीं प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है पासवर्ड वाली, ठीक है। तो इसमें पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं छठवें क्वेश्चन की, छठवां क्वेश्चन है टैली कैन मेंटेन अकाउंट्स, तो टैली किस तरह के अकाउंट को मेंटेन करता है, तो लायबिलिटी और टैक्स अकाउंट दोनों को ही ये टैली जो है मेंटेन करता है, यानी छठवें का विकल्प सी हो जाएगा, यानी छठवें का सी ऑप्शन सही होगा। अब आते हैं सातवें क्वेश्चन पर, तो हमारा सातवां क्वेश्चन है टैली अलाउज डाटा एंट्री लैंग्वेज, तो टैली कौन से लैंग्वेज में डाटा एंट्री आपको अलाउ करता है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, टैली कौन से लैंग्वेज में डाटा एंट्री करना अलाउ करता है। तो कौन सी होगी, पहला तमिल है, दूसरा इंग्लिश है, तीसरा हिंदी है, और चौथा मेनी इंडियन ऑब्लिक एशियन किया गया है। तो कौन से लैंग्वेज में टैली जो है डाटा एंट्री को अलाउ करता है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा, यानी बहुत सारे इंडियन और एशियन लैंग्वेज को ये जो है अलाउ करता है, ठीक है, और इंग्लिश भी अलाउ करता है, तो इंडिया में भी इंग्लिश बोली जाती है, एशिया में भी इंग्लिश बोली जाती है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर आते हैं आठवें क्वेश्चन पर, बहुत आसान क्वेश्चन है, टैली जनरेट्स रिपोर्ट ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन वाउचर जर्नल लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जर्नल एंट्रीज, तो यहाँ पर जो है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, पहला है बैलेंस शीट, दूसरा है स्टॉक रिपोर्ट, तीसरा है प्रॉफिट एंड लॉस, और चौथा है ऑल ऑफ देम। तो यहाँ पर आठवें क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ देम, तो यहां पर आप ऑल ऑफ देम पे टिक कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से आते हैं, कह रहा है कि डेट को सेट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो ये तो मैं हर बार ही बताता हूं आपको, F2 होती है डेट को सेट करने की शॉर्टकट की। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दिया गया है इज द शॉर्टकट टू इन्वेंटरी बटन्स फ्रॉम अकाउंटिंग वाउचर्स इन टैली, कह रहा है ना कि इज द शॉर्टकट टू इन्वेंटरी बटन, यानी इन्वेंटरी बटन पर आपको जाना है, तो शॉर्टकट की क्या होती है, क्या अल्ट F1 होती है, क्या कंट्रोल F1 होती है, क्या F7 होती है, या F8 होती है। तो पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, अल्ट के साथ F1 प्रेस करते हैं तो हम इन्वेंटरी जो है अकाउंटिंग वाउचर में चले जाएंगे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इज द शॉर्टकट टू कंपनी इन्फो फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली, गेटवे ऑफ टैली से कंपनी इन्फो पर जाना है तो आपको क्या प्रेस करना चाहिए, यानी कंपनी बनाने के लिए अगर मान लीजिए आपको जाना है एक तरह से ये कह लीजिए, तो आपको क्या शॉर्टकट की प्रेस करनी चाहिए, तो आपको प्रेस करना चाहिए अल्ट के साथ F3। ये मैं टैली ERP9 बता रहा हूँ, प्राइम नहीं है ये, ध्यान दीजिएगा, ERP9 की सारी शॉर्टकट्स हैं। तो ये हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। अब आते हैं नेक्स्ट 12 नंबर के क्वेश्चन पर, ये दिया गया है इज द शॉर्टकट टू चेंज द लैंग्वेज इन टैली, यानी अगर आपको लैंग्वेज टैली में चेंज करना है तो उसका शॉर्टकट की क्या हो सकता है, तो यहां पर होता है अल्ट जी, यानी टैली ERP9 में आप अल्ट जी प्रेस करेंगे
तो लैंग्वेज चेंज कर पाएंगे। तो यहां पर Alt G पर टिक कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है इज द शॉर्टकट टू शट कंपनी, कंपनी को बंद करने की शॉर्टकट की कुछ होती है क्या? यानी अगर आप Alt F3 करेंगे तो आप कंपनी बनाने के लिए जाएंगे, तो क्या बंद करने के लिए कौन सा विकल्प हम चुनेंगे इसमें से? तो पहला दिया गया है F1, ठीक है, दूसरा दिया गया है Alt F1, Alt F2 और फिर Alt F3 दिया गया है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर जो है Alt F1 से कंपनी शट हो जाती है, यानी बंद हो जाती है। फिर आगे बढ़ते हैं, इज द शॉर्टकट टू चेंज अकाउंटिंग पीरियड फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली, पीरियड को चेंज करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो Alt के साथ F2 हम प्रेस करते हैं, तो यही पीरियड को चेंज करने की शॉर्टकट की होती है। यानी 14वें क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, इज द शॉर्टकट टू एक्सपोर्ट अ रिपोर्ट टू डिफरेंट फॉर्मेट। तो अभी अभी कुछ दिन पहले मैंने इसके लिए वीडियो बनाया था कि आप किस तरीके से अपने टैली सॉफ्टवेयर, जो भी टैली का जो आपने एंट्री किया है, उसको एक्सेल सीट में या इमेज फॉर्मेट में या पीडीएफ फॉर्मेट में कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत आसान है एक्सपोर्ट करना, ठीक है। तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या यूज करते हैं, यानी एक्सपोर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो एक्सपोर्ट करने की शॉर्टकट की होती है टैली में Alt के साथ E, तो ये याद रखिएगा Alt के साथ E। अब एक POS नाम का एक यहाँ पे दिया गया, देखिए POS stands for, यानी POS को किस नाम से जाना जाता है? तो जो POS होता है इसका पूरा नाम होता है Point of Sale, तो ये याद रखिएगा POS का पूरा नाम होता है Point of Sale, यानी विकल्प नंबर D सही होगा। कह रहा है कि टैक्सेशन जब हम टैली में करते हैं तो TCS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स होता है, यानी विकल्प नंबर 2 सही होगा, ठीक है। फिर आते हैं अगले पर, वैट, वैट को कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स, तो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन सही होगा, यानी डी ऑप्शन सही होगा। फिर आ जाते हैं यहाँ पर, कह रहा है हु रिसीव्स बेनिफिट विदाउट गिविंग मनी इमीडिएटली बट लायबल टू पे इन फ्यूचर, यानी कि इसके लिए कि आप सामान तो ले रहे हैं, ठीक है, किसी भी पार्टी से आप सामान प्राप्त कर रहे हैं, माल खरीद रहे हैं, लेकिन पैसा आपको बाद में देना है, तो ऐसे में हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे किस नाम से जानते हैं? ये जो है क्वेश्चन है, यानी आप क्या होंगे अगर आप सामान खरीद रहे हैं उधार में, तो आप जो है क्या होंगे? एक तो आप खरीदेंगे, तो जिससे खरीदेंगे वह व्यक्ति क्या होगा, और आप खरीद रहे हैं तो आप क्या होंगे? तो आप होंगे डेटर पार्टी। तो यहां पे विकल्प नंबर 2 सही होगा, ठीक है, यानी बी ऑप्शन सही होगा। फिर आते हैं अगले जो है क्वेश्चन पर, यहाँ पर देखिए दिया गया है व्हाट इज द पर्पज ऑफ सिक्योरिटी फीचर इन टैली। कह रहा है ना कि टैली में सिक्योरिटी फीचर का पर्पज क्या होता है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ सिक्योरिटी फीचर इन टैली, यानी जो टैली में सिक्योरिटी फीचर दिया गया होता है उसका पर्पज क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है प्रोवाइड अ बजट, तो बजट तो दिया नहीं जाता है। दूसरा ऑप्शन है प्रोवाइड ऑप्शन फॉर डाटा बैकअप, तो देखिए सिक्योरिटी का डाटा बैकअप से कुछ लेना देना तो नहीं है। फिर यहाँ दिया गया है प्रोवाइड ऑप्शंस टू अपलोड रिपोर्ट्स, तो यहाँ पर जो है प्रोवाइड ऑप्शन टू अपलोड रिपोर्ट वाला जो है यहाँ पर जो है ये विकल्प जो है सही होगा, इस पर टिक कर लीजिएगा। फिर आते हैं आगे, यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है विच बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड, कौन सा बजट जो है शॉर्ट पीरियड के लिए प्रिपेयर किया जाता है, कौन सा बजट शॉर्ट पीरियड के लिए प्रिपेयर किया जाता है? तो इसमें होगा कौन सा बजट, करंट बजट, तो इस पे आप करंट बजट यानी ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर लीजिएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इज द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ एनी बिजनेस, तो किसी भी बिजनेस में रेवेन्यू जनरेट करने का मेजर सोर्स क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है कि एडवांस होता है कि लोन होता है कि सेल होता है, ठीक है। तो यहां पर जो है सेल करेंगे तभी आप जो है प्रॉफिट गेन कर पाएंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब एक क्वेश्चन है 23वां जो कि दिया गया है फुल फॉर्म ऑफ ODBC, तो ODBC का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, तो जो ODBC होता है उसका फुल फॉर्म होता है ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी। तो देखिए इसमें ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी कहाँ है, ये रहा, तो इस ऑप्शन पे टिक कर लीजिएगा ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी, यही ऑप्शन सही होगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फिर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन एक दिया गया है कंपनी रिस्टोर ऑप्शन इज अवेलेबल इन, कंपनी रिस्टोर ऑप्शन जो है कहां पर मौजूद होता है, तो कंपनी रिस्टोर ऑप्शन जो है कंपनी इंफॉर्मेशन में मौजूद होता है, तो इस पर टिक कर लीजिएगा। फिर यहां पर आते हैं, कह रहा है करेंट डेट को चेंज करना है, तो कौन सी की प्रेस करते हैं, तो आप F2 प्रेस करते हैं, ठीक है। यहां पर फिर नीचे आते हैं,
कह रहा है टैली सपोर्ट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, तो टैली जो है सिंगल एंट्री भी सपोर्ट करता है और डबल एंट्री भी सपोर्ट करता है, दोनों करता है। और यहाँ पे नो एंट्री दिया गया और नल एंट्री दिया गया है, तो अभी तो सिंगल एंट्री भी दे दिया गया, डबल एंट्री भी दे दिया गया, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जब दोनों ऑप्शन हो जाएंगे तो आप किस पे टिक करेंगे, डबल एंट्री पे टिक करिएगा, दोनों ऑप्शन दिए जाते हैं तो। हालांकि दोनों ही इसमें आप काम कर सकते हैं, लेकिन डबल एंट्री पे आपको टिक करना है जबकि दोनों ऑप्शन दिए हो तब। टैली कैन मेंटेन अब डॉट 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 है फॉर स्टॉक कीपिंग सो दैट फ्रेश इन्वेंट्री मे अराइव बिफोर द ओल्ड स्टॉक इज एग्जॉस्ट, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है, इसका आंसर में पहला ऑप्शन दिया गया रिकॉर्डर लेवल, ठीक, रीऑर्डर लेवल, और दूसरा ऑप्शन है प्रॉफिट, तीसरा ऑप्शन है लॉस, और चौथा ऑप्शन है कैश, ठीक है। तो ऐसे में हमें प्रॉफिट पे टिक करना है, तो यहां पर आप प्रॉफिट पे टिक कर लीजिएगा। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पर, बैलेंस शीट इज प्रोवेन अकाउंट्स आर मेंटेन इन टैली, जबकि टैली में अकाउंट मेंटेन होता है, किस तरह का अकाउंट मेंटेन होता है, मैनुअली होता है, ऑटोमेटिकली होता है, रिमोटली होता है, या रैंडमली होता है। तो भाई रैंडमली तो हो नहीं सकता, तो पहला ऑप्शन तो हटा दीजिए आप, ठीक है, ये लास्ट वाला ऑप्शन तो हटा दीजिए, यानी रैंडमली तो कतई नहीं हो सकता है। फिर जो है रिमोटली, यानी दूर से टैली का अकाउंट तो मेंटेन नहीं किया जाता है, तो ये सी वाला ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होगा। इसके बाद बात करते हैं कि सी वाला ऑप्शन नहीं होगा, तो फिर ऑटोमेटिकली ये जो है ये वाला ऑप्शन आप कह सकते हैं कि ये वाला ऑप्शन ज्यादा करेक्ट है इन कंपैरिजन टू मैनुअली। तो मैनुअली ना करके आप ऑटोमेटिकली करिएगा, ठीक है। और यहाँ पे 29वां क्वेश्चन देखते हैं, 29वां क्वेश्चन है द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स डेबिट्स क्रेडिट्स एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इज कॉल्ड, कह रहा है कि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जिसमें कि डेबिट करते हैं क्रेडिट करते हैं एसेट होती है लाइबिलिटी होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन दिया गया है स्टॉक एंड इन्वेंटरी रिपोर्ट, दूसरा दिया गया है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, दूसरा क्या है प्रॉफिट एंड लॉस दिया गया है, और तीसरा जो है वो दिया गया है बैलेंस शीट, और चौथा दिया गया है कैश बैलेंस, ठीक है। तो डेबिट क्रेडिट एसेट लाइबिलिटी ये सब जो है कैश बैलेंस तो होता नहीं है, तो पहला ये लास्ट वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, ठीक है। और स्टॉक एंड इन्वेंटरी रिपोर्ट भी नहीं होगा, स्टॉक का मतलब होता है सामान वगैरह, ठीक है, माल जो भी आता है गुड्स, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं होगा, तो ऐसे में इसमें बैलेंस शीट पे टिक कर दीजिएगा, ये बैलेंस शीट ऑप्शन सही है। कह रहा है प्रेसिंग बटन इन गेटवे ऑफ टैली ओपन्स कंपनी इन्फो इन टैली, कह रहा है कि टैली में कंपनी इंफॉर्मेशन अगर आपको ओपन करना है तो ऐसे में आपको कौन सा ऑप्शन प्रेस करना चाहिए, तो ऑल्ट F3 प्रेस करना चाहिए, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें, साथ ही साथ चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन उसे सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।